हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो ये लेवल है जहाँ से आज हम देखते हैं कि मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है, वो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था, कुछ ऐसा क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर पैटर्न डेवलप हुआ है, या कुछ ऐसा चैनल था जो इसे ब्रेक कर गया जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार इतनी तेज़ी से गिरावट आ रही है मार्केट के अंदर। और ये मार्केट के अंदर जो गिरावट है वो बहुत तेज़ी से और नीचे जा सकती है कि शायद इस लेवल से खरीदारी आ जाए। सो गाइज, बीच जिस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है उसके आसपास एक ऐसा स्तर या एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी लाइन है जिससे मार्केट या ऊपर जा सकती है या फिर बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकती है। तो आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम पाँच स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो कल के मार्केट में हमें आउट परफॉर्म करा के दिखा सकती है। सो बाय और सेल दोनों में शेयर्स हैं, आपको लेवल और टारगेट दिया जा रहा है किस तरीके से आपको किस लेवल पर बाय करना है, क्या टारगेट स्टॉप लॉसेस हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे चार्ट्स के थ्रू। सो बढ़ते हैं सबसे पहले पांच स्टॉक्स की तरफ। यूनियन बैंक, वोल्टास, बर्जर पेंट्स, अपोलो टायर्स, आईओसी, ये पांच स्टॉक्स हमने अपनी लिस्ट में निकाले कल के मार्केट के लिए। यूनियन बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये पाँच स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ। ये पाँच स्टॉक जो मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, ये पाँच स्टॉक्स इंट्राडे बेसिस पे तो है, पर अगर आप पे थोड़ी कैपिटल ज़्यादा है तो आप इसके शेयर्स को बाय करके रख सकते हैं 2 या 3 या 4 दिन के पर्पज से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस शायद थोड़ा सा नीचे रखना पड़ जाए, पर आपके जो टारगेट हैं दोनों के दोनों टारगेट आपको अचीव होते हुए दिख जाएंगे। हर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि गाइस ये पैटर्न जो भी मैं स्टॉक्स के अंदर से पैटर्न डेवलप करके आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ बाय या सेल की, वो इंट्राडे बेसिस के अंदर नहीं होती है, वो होती है कम से कम 3 या 4 दिन के पर्पज से आप उसे होल्ड करके रखेंगे तो आप हायर टारगेट्स अचीव कर सकते हो। सो यूनियन बैंक 72.70 के अबव यूनियन बैंक को बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 74-78। आपको बता देता हूँ 78 शायद कल के कल अचीव ना हो जाए, पर अगर आप होल्ड करके रखते हैं 2 या 3 दिन के लिए 78 का टारगेट आपको इमिडिएटली अचीव हो जाएगा। स्टॉप लॉस 69 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी आपको बाइंग लेवल दिया जा रहा है आपको बाइंग लेवल के ऊपर ही बाय करना है उस पर्टिकुलर काउंटर को। वोल्टास सेल करने की सलाह दी जाएगी, 595 के नीचे आपको सेल करना है या 594.70 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं, और उसके नीचे सेल करने का मतलब ये है कि उसके नीचे थोड़े देर सस्टेन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं कि अब हो सकता है कि इस लेवल से शायद वो बाउंस भी कर जाए या शायद और गिरावट आ जाए, क्योंकि वो एक लाइन पे एक ऐसे पॉइंट पे जाके क्लोजिंग दे चुका है जहाँ से हम कह सकते हैं कि शायद बहुत तेज़ी से मूव आ सकती है, बहुत तेज़ी से गिरावट आ सकती है। सो जो लेवल दिए जा रहे हैं उस लेवल के नीचे ही बाय या सेल की आपको पोजीशंस को इनिशिएट करना है। बर्जर पेंट्स सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इस पर, 322.5 या 322 के नीचे भी अगर आप इसे शॉर्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 319 एंड सेकंड टारगेट होगा 317। बाय चांस अगर 317 के नीचे अगर हम देखते हैं 2 दिन की क्लोजिंग मिलती है तो लास्ट टारगेट जो इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 303 का कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 326 का, बर्जर पेंट्स के अंदर मेंटेन करके चलना है इंट्राडे टारगेट के अंदर। अपोलो टायर्स बहुत बढ़िया स्टॉक था आज के मार्केट के अंदर, बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करा गिरते मार्केट में भी, इसने बहुत बढ़िया अच्छे खासे से अपनी जो तेज़ी से इसकी गिरावट आ रही थी उस गिरावट को इसने एक ही दिन में पूरी रिकवरी करके दिखा दी है। अब जो रिकवरी करी है हम कह सकते हैं कि इसका जो एक टॉप था वो था 202 का, हम देख रहे थे जो इसके हाईज बन रहे थे प्रीवियस, अगर हम हाई की बात करें स्विंग हाई की या उसके भी प्रीवियस हाई की बात करें तो वो 202 का एक रेजिस्टेंस था जहाँ से बाबा या अपोलो टायर्स नीचे गिर रहा था। हमेशा 202 के लेवल से हम देखते थे कि अपोलो टायर्स में एक बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाती थी और वो जो लोअर लेवल्स दिखा देता था अच्छे खासे। अब हम क्या स्ट्रैटेजी अपोलो टायर्स के अंदर फॉलो करेंगे, अगर वो अपोलो टायर्स 202 के ऊपर जाता है और उसके ऊपर अगर हम सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में भी, अगर वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 211 एंड फॉर 213 ऑल्सो। अगर 213 के ऊपर भी निकलता है तो 222 से 224 तक के टारगेट भी हम अपोलो टायर्स के अंदर अचीव करते हुए देख सकते हैं। तो बाय चांस अगर कल आपको अपोलो टायर्स नीचे गिरते हुए दिखता है तो आप उसमें अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट ना करिएगा, हम अगले दिन आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करके बताएंगे। आईओसी शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आईओसी के अंदर आपको, 154.30 के नीचे आपको आईओसी को शॉर्ट करना है, क्योंकि वहां से एक ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा आईओसी के अंदर जो इसको
147 या 141 तक की भी लेकर जा सकता है। मैं लोअर लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसमें होल्डिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं सो आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 158.5 का रखना है। सो अगर आप लोग होल्डिंग पर्पज से रखना चाहते हैं, अगर आप इसके फ्यूचर बाय या सेल ज़्यादा दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको आपके स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से आपको आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स को मेंटेन करना है। इंट्राडे टारगेट के हिसाब से आप पहले टारगेट को लेकर चल सकते हैं हर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो मैं आपके लिए लेकर आया। अब हम बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। उससे पहले मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसमें लाइक बटन को दबा दीजिएगा। लाइक बटन दबाने से होगा ये कि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो आप डिसलाइक भी दबा सकते हैं, तो आप डिसलाइक या लाइक दोनों में से कुछ बटन तो ज़रूर दबाइएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं पर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको चैनल सब्सक्राइब करके नहीं मिलेगी, आपको वो बेल आइकन दबा के मिलेगी जो चैनल सब्सक्राइब बटन के साथ में होता है। वो आप दबाएंगे जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास एक रिंगटोन आ जाएगी सेटअप के कॉल कि आप मेरी वीडियो यूट्यूब के अंदर अपलोड हो गई है, जाके आप देख लीजिए। सो आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे और इस ट्रेड का फ़ायदा उठा पाएंगे। सो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। सो गाइस ये मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मैं यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ, इंडिकेटर्स की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है जी गाइस। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके अभी रखा हुआ है। ये जो भी मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई हुई है अभी तो मैंने सिर्फ नया फिबोनाची ड्रॉ करा है। ट्रेंड लाइंस जो भी बनाई हुई है मैंने अपनी प्रीवियस हर वीडियो पर आपको दिखा चुका हूँ, तो मैं अब आपको ये नहीं बताऊँगा कि ट्रेंड लाइंस किस तरीके से बनी है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक पैटर्न था आली चार्ट में हम लेकर चलते हैं सबसे पहले तो जी गाइस आर्ली चार्ट में मैं लेकर गया हूँ। आर्ली चार्ट पे हमने ये दिखा है कि ये एक रेंज बनी हुई थी, इस रेंज का एक ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट भी एक सपोर्टिव मिड पॉइंट था जहाँ पर हम देख रहे थे कि बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करने का मिल रहा है। इस मिड पॉइंट से और इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन से हमने देखा यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली फॉलो करा है इसने ट्रेंड को। अगर आपने मेरे चार्ट्स को ध्यान से देखा होता तो आप अच्छे खासे रिटर्न में हर दिन निकल रहे होते गाइस। आप देख सकते हैं इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, दूसरे दिन उसके नीचे हमने क्लोजिंग देखी उस दिन। अब क्या था, अब मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अब हमें पता लग गया कि हाँ ये हमारे फेवर में है, अब हम इसमें अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। अब हमें बाय लेवल कब करना है, हमें बाय करना है इसी लेवल पे या इस गिरावट के मिड पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमें सेल करके चलना है, पोजीशन हमारी हम कभी इनिशिएट करेंगे ये जो गिरावट थी इस गिरावट के मिड पॉइंट पे या इस ट्रेंड लाइन पे जहाँ सपोर्ट लेकर आया है। सो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई तो उसने इस लेवल तक हाई मारा और इस लेवल पे ही खुला हम कह सकते हैं, और वहाँ से हमने लगातार गिरावट देखी और ये लगातार गिरावट हमें लोअर लेवल्स तक लेकर चली गई है। अब मैं आपको आर्ली चार्ट में हटा के डेली चार्ट में लेकर जाना चाहूँगा। जो मैंने आपको एक स्तर बताया था वो स्तर क्या है, आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई, एक चैनल पे ट्रेड कर रही है, चैनल का ब्रेकआउट डाउन हमने देखने को मिला और मार्केट ने एक तेज़ी से गिरावट दिखा दी, और तेज़ी से गिरावट दिखाने के बाद अपने 50 EMA पे जाके उसने क्लोजिंग दे दी है, 50 EMA पे जाके क्लोजिंग दे दिया। तो यही एक स्तर है, यही एक लेवल है जहाँ से मार्केट या बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। और तेज़ी से ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है, पहले मार्केट के लिए ऊपर जाना ज़्यादा मुश्किल है और नीचे आना बहुत आसान है, क्योंकि नीचे अगर आते हैं तो हमें हायर लेवल्स मिलेंगे पर अगर ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए लेवल्स बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब क्यों, अब हम देखते हैं इस लेवल का, इस चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। ब्रेकडाउन देखने के बाद हमने देखा कि एक हमें कहीं पर सपोर्ट दिख गया, सपोर्ट से इसने मार्केट ने हम फॉर एग्जाम्पल उछाल देखते हैं, उछाल देखने के बाद वो कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है अपने प्रीवियस सपोर्ट पे जो अब उसका रेजिस्टेंस बन चुका है, और वहाँ से हम देख सकते हैं कि शायद दोबारा एक गिरावट आ जाए। पर अगर वो इस लेवल या इस स्तर को ब्रेक करता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ तक खुलती है, सबसे पहला होता है 10,500 यानी कि 10,470 का लेवल, दूसरा हम देख सकते हैं 10,350 का लेवल, क्योंकि इसमें ऑप्शंस और टारगेट्स बहुत हमें अच्छे तरीके से इनिशिएट करने को मिलेंगे। सबसे पहला टारगेट आप इनिशिएट कर सकते हैं 61.8% का जो कि 11,500 का है, दूसरा टारगेट आपका सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है 11,350, और नेक्स्ट
200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 11,070 का। टारगेट्स आपके लोअर साइड में तो बहुत खुल रहे हैं, पर अपर साइड में आपके लिए टारगेट नहीं है जब तक वो इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती है। सो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे से इनिशिएट हो रही है, पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। हो सकता है कल मार्केट अगर खुलती है तो मार्केट दोबारा इस लेवल तक जाने की कोशिश करे, तीन चार दिन लगा दे इस लेवल तक पहुंचने के लिए और हम देखें बाइंग लेवल इनिशिएट होते हुए मार्केट पे। पर मार्केट अगर गिरना शुरू होती है तो हमारे लिए अच्छे खासे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी मैंने आपको बता दिया था पीनेंट पैटर्न फॉर्म हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी पे मैं आपको हर दिन पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। 30,500 की दी थी मैंने आपको, 31,000 की दी थी, हर ट्रेड पे आपको 100-100 पॉइंट का फायदा करवाया है हर आपको ट्रेड पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीनेंट पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद आपको किस लेवल पे बाय करना था, यानी कि इस जो ग्रीन जो हैमर बना है इसके मिड पॉइंट पे या फिर इसके अपर पे जो इसका सपोर्ट का काम कर रही थी अब रेजिस्टेंस फेस कर रही है। यहाँ पर अगर आप इसमें शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करते हैं यानी कि 31,000 पे, सो आपका टारगेट क्या था 31,200 का लेवल। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे 31,200 के आसपास बैंक निफ्टी आराम से जा सकता है, और इसने कहाँ तक की गिरावट दिखाई थी 31,240 की, जरूरी नहीं है पूरे 31,200 ही टेस्ट करेगा। सो आप देख सकते हैं कि आपको कुल 600-700 पॉइंट तक की या 800 पॉइंट तक का फायदा मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर 2-3 दिन में ही करवा दिया था अगर आपने मेरी वीडियो को गौर से देखा होता तो। अब किस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें वर्क करना है, हम देख सकते हैं एक पैटर्न का तो ब्रेकडाउन हो गया, अब पैटर्न के अंदर घुसने के लिए उसे इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा जो कि 31,100 का लेवल है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दे और दोबारा 31,100 की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, टाइम ले 4-5 दिन हल्के हल्के कंसोलिडेट करते करते 31,100 तक जाए, उसके बाद दोबारा गिरावट आ जाए, और हो सकता है कि कल के मार्केट पे ही यहाँ से हमने एक गिरावट देख ले 31,200 का लेवल तोड़ते हुए और जो नेक्स्ट टारगेट है वो 29,600 का लेवल हो। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है मार्केट के अंदर, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि किस तरीके से रिवैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिड पॉइंट है मेक और ब्रेक इवन पॉइंट लेवल के लिए। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी गिर सकती है, तो आपको केयरफुली मार्केट में ट्रेड लेके काम करना होगा बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर। सो आपको लेवल खुद भी पता चल गया है कि किस लेवल से टूटेगा तो मुझे अपनी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है, किस लेवल से मुझे अपनी बाय इनिशिएट करनी है, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस है। इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप और ये पैटर्न डेवलप कर लीजिए अपने चार्ट के अंदर और 50 डे का एमा अपने चार्ट के अंदर बना लीजिए। यह वीडियो पॉज करके एक बार बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन ले लीजिए और दोबारा एक बार आप निफ्टी 50 का भी ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ जी गाइस। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा, कल ही हमें मार्केट के बारे में पता चल जाएगा किस तरीके से ट्रेड करने वाली है आगे कुछ दिनों में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइस। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वीडियो में और क्या अपडेट्स की ज़रूरत है, और ये जो भी आपके लिए मैं स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ क्या आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।